और दोस्तों स्वागत है मैजिकल व्हील्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों जो सामने दिख रहा है ये आपको ओकिनावा का शोरूम है रुद्रपुर का अर्चित एंटरप्राइजेस। हम यहाँ पे आए हैं तो गाइज आज जो हमारे सामने जो इनका ईवी स्कूटर खड़ा है प्रेस प्रो है हमारे सामने, आप देख सकते हो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, ग्लॉसी फिनिश के अंदर आता है। आप फ्रंट को अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ पर आपको जो ट्रीटमेंट मिलता है पूरा का पूरा LED ट्रीटमेंट आपको ऑफर हो रहा है। LED आपको DRLs ऑफर हो रहे हैं, LED हेडलैम्प है और यहाँ पे ग्लॉसी पैनल मिल रहा है ब्लैक कलर का एंड यहाँ पे रेड कलर में, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी हमारे साथ यहाँ पे तो बाकी निजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझा देंगे कि क्या क्या इसके अंदर ये चीज़ें ऑफ़र होती हैं। तो सर वेलकम टू द चैनल। तो निजेश जी बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ऑफ़र हो रही है, स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट से। जैसे सर इसमें फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाता है फिर डुअल कैलिपर के साथ में और इसमें एलुमिनियम ग्रिल मिल जाते हैं आपको अलॉय में और फिर उसके बाद से आपको ये हैंड में आपको एडजस्टमेंट मिल जाता है CNC एडजस्टमेंट लीवर। अच्छा ये CNC एडजस्टमेंट लीवर है। हाँ जी, इसको आप मतलब किसी का हाथ छोटा होता है किसी का बड़ा होता है तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप। ओके हाँ जी। और ये जो LED DRLs हैं और DRLs भी हैं ये? हाँ जी। और ये आपके हेडलैम्प्स भी? हाँ जी हाँ जी। इसमें सिर्फ सर ये लैंप लाइट आता है इंडिकेटर में। अच्छा ये जो लैंप है, बाकी सारी गाड़ियों में पूरी ऑल LED लाइट्स है। बॉडी सारी की सारी इसकी सर ये फाइबर में है, सब फाइबर में है। बाकी इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है आपको। ओके हाँ जी, जिसमें कि आपका बैटरी इंडिकेशन शो करेगा और अच्छा। आपका स्पीड शो करेगा कि आप कौन से स्पीड पे चल रहे हैं। ओके इसमें मोड आ जाते हैं, तीन मोड आ जाते हैं अच्छा। इकोनॉमिक, स्पोर्टी और टर्बो। तो यहाँ से आपको मोड जो है लगाने हाँ, पड़ते हैं ना, ये है हाँ, और एक ये है इकोनॉमी मोड हाँ हाँ, और ये आपका टर्बो आ जाता है। अच्छा ये टर्बो मोड है। हाँ तो जी, ये 40 सेकंड्स के लिए सिर्फ एक्टिव होता है। अच्छा, किसी गाड़ी से ओवरटेक करने के लिए आपको। ओके सिर्फ 40 सेकंड के लिए एक्टिव हाँ, होगा। हाँ जी ठीक है ठीक है। और बताएं, और इसमें आपका ब्रेक थंबनेल शो कर देता है। अच्छा हाँ जी, और स्पीड वगैरह बाकी सब ये शो होता है और इसमें ये है एंटी थेफ्ट अलार्म भी है। अच्छा ये आप सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है। ओके हाँ, आप बिना चाबी लगाए भी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा बिना चाबी लगाए भी? देखिए स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी और गाड़ी को लॉक भी कर सकते हैं आप इसको। ओके जी हाँ जी, और देखिए इसकी मोटर लॉक हो गई है फिलहाल में। अगर आप इस चीज़ को कोई गाड़ी अगर खींचना चाहे कि खींच के ले जाना चाहे तो ये जाएगी नहीं। कैसे? इसकी मोटर देखिए लॉक हो चुकी है, ये अब घूमेगी नहीं। मोटर हो चुकी है लॉक? हाँ जी। तो भाई यहाँ पे मोटर लॉक हो चुकी है। और ये अलार्म किस लिए बज रहा है? जो अलार्म बज रहा है ये मान के चलिए मैंने लॉक कर रखी है गाड़ी और कोई अगर छेड़खानी कर रहा है तो ये अलार्म बजेगा। हाँ जी। ओके जी। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इसके ब्रेक्स वगैरह दिए गए हैं ये आपके एल्युमिनियम में है? एल्युमिनियम में है। ओके काफ़ी प्रीमियम लग रहा है ये, एल्युमिनियम में है ये सब कुछ। इस यहाँ पे आपको ये लोडिंग हुक जो है यहाँ पे मिल जाता है जिसकी कैपेसिटी है आपकी 2 किलो की, यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये 2 kg की कैपेसिटी है। आप यहाँ पे कुछ भी टांग सकते हैं। और बाकी आपको यहाँ पे USB चार्जर के साथ में वो मिल जाता है, फ़ोन चार्ज कर सकते हैं आप अपना। ओके गाइज यहाँ पे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे आपको ओके USB केबल आप लगा के अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाती है, इसकी भी कुछ कैपेसिटी होती है मतलब कितने kg यहाँ पे हम रख सकते हैं? सर वैसे तो यहाँ पे नॉर्मली आप छोटा मोटा कोई सामान ही रख सकते हैं, अगर बॉटल वगैरह हम कैरी कर सकते हैं, बॉटल वगैरह रख सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे कुछ पर्स हो गया आपका वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओके हाँ जी ठीक है। बाकी इसमें दोनों साइड हॉर्न मिल जाते हैं, दोनों साइड हॉर्न स्विच है। ओके दोनों साइड यहाँ पे हॉर्न्स भी अवेलेबल हैं। हाँ जी ठीक है। और अगर इसके बात की जाए इसके स्टोरेज की तो आप दिखाएंगे अंदर क्या क्या मिल रहा है? सर बूट स्पेस में इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा, आप इसका चार्जर सिर्फ कैरी कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो इसी यहीं पर लगी हुई है, देखिए इसके नीचे ये बैटरी लगी हुई है। अच्छा ये बैटरी मिलती है इसके अंदर, तो इसके लिए इसका बूट स्पेस ये 72 वॉट 30 AH में 30 AH में है ये इनकी बैटरी। और ये डिटैचेबल बैटरीज हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये आपकी सारी जो है सारी डिटैचेबल होती है? हाँ जी हाँ जी सारी डिटैचेबल। ओके किस तरीके से निकालेंगे दिखाएंगे एक बार? ये देखिए ये केबल लगा हुआ है इसका। ओके हम यहाँ से निकालते हैं बाकी उसके बाद से निकाल सकते हैं। ओके जी ये निकल गई और आप इजीली कैरी करके कहीं भी ले जाके चार्ज लगा सकते हैं, अगर आप 2-3 फ्लोर ऊपर रहते हैं कहीं रहते हैं तो आप ले जाके चार्ज कर सकते हैं। ओके और स्टोरेज तो स्पेस नहीं है इसमें, हेलमेट वगैरह कैरी तो नहीं कर सकते? हेलमेट आप कैरी नहीं कर सकते हैं उसके लिए, बस यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि आप आगे रख सकते हैं हेलमेट। ओके यहाँ पे बस छोटी सी आपको टूल किट दे दी गई है, आप यहाँ पे चार्जर आप इसका कैरी कर सकते हैं जो अच्छा, इसका चार्जर है वो चार्जर अभी इसमें रखा नहीं हुआ, अभी इसमें नहीं है, MCB दे रखा है यहाँ पे, ये ऑफ करने से पूरी गाड़ी की पूरी गाड़ी जो है बंद हो जाएगी। ओके ठीक है, जो कनेक्शन होगा वो कट हो जाएगा, पावर कट हो जाएगा। ओके जी ओके, बाकी सीट लॉक के लिए है ठीक है। यहाँ पे वाटरप्रूफ मोटर है जो कि इसी में टायर में ही इनबिल्ड है। अच्छा मोटर जो है इसके टायर के अंदर ही इनबिल्ड है? हाँ जी हाँ जी, ये है जो मोटर ही है जिसके ऊपर टायर लगा हुआ है। अच्छा ये जो ब्लैक सा दिख रहा है इसी के वजह से इसका पीक पावर ज़्यादा है।
अच्छा, इसकी वजह से। ओके, बाकी आपको रियर में भी डिस्क मिल जाता है, रियर में डिस्क मिल रहा है सस्पेंशन, और यहाँ पे इसको कवर मिल गया, यहाँ पे कवर है यहाँ पे। हाँ जी, बाकी इसका सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है। तो सर, इसकी जो टॉप स्पीड जाती है वो कितनी जाती है? देखिए, 65 तक की स्पीड होती है इसमें। अच्छा, हाँ, बाकी अगर आप किसी गाड़ी से ओवरटेक कर रहे हैं तो उस टाइम आप ये टर्बो यूज़ करेंगे तो आपकी गाड़ी 70-75 के आसपास स्पीड आ जाएगी इसकी, 40 सेकंड्स के लिए सिर्फ। ओके, और एक फुल चार्ज में कितना टाइम लगता है इसको? ये सर मिनिमम आपको 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे, और कितनी इसकी रेंज क्या रहती है? पर चार्जिंग पे अगर आप इकोनॉमी मोड पे चल रहे हैं, अच्छा, 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर के समथिंग में आपको रेंज मिल जाती है। ओके, ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहे हैं या जो कंपनी क्लेम करती है? देखिए, कंपनी क्लेम करती है आपकी 80-90 किलोमीटर। अच्छा, लेकिन कंपनी क्लेम करती है स्पोर्टी मोड पे। अच्छा, स्पोर्टी मोड पे भी प्रैक्टिकल हम करके देख चुके हैं, 80-90 किलोमीटर रेंज आती है इसकी। ओके जी, हाँ जी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रेंज वगैरह सही है, और इसके लिए तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती होगी बिकॉज ये हाई स्पीड है। हाँ जी, हाँ जी, तो इस पे आपका कुछ लोन वगैरह भी हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, फाइनेंस हो जाता है। फाइनेंस कितने परसेंट तक? वो तो सर दरअसल कस्टमर की प्रोफाइल देख के बताते हैं फाइनेंसर। ओके, बाकी 60% के समथिंग में मान के चलिए। ओके, तो इसका जो ऑन रोड अगर प्राइस की बात की जाए तो क्या रेट है यहाँ पे? यहाँ पे सर अभी 92 पड़ रहा है। हाँ, ओके, तो कोई डिस्काउंट वगैरह भी है इसमें? नहीं सर। तो सर, अगर कोई हमारी वीडियो देख के आता है तो आप उसको कोई डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी अगर वीडियो देख के कोई आता है तो ज़रूर डिस्काउंट होगा उसके लिए, बेस्ट कर देंगे उसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो उसकी कोई वेटिंग वगैरह भी चल रही है या अवेलेबल है इजी? सर अभी तो अवेलेबल है, बस यह कलर का हो सकता है कि आप अगर कलर चूज करते हैं तो उसमें हो सकता है कि। अच्छा, कितने कलर ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं? देखिए, इसमें एक रेड आ जाता है, एक आपका स्पार्कल ब्लू आ जाता है, स्पार्कल ब्लैक और पर्ल वाइट, 4 कलर आ जाते हैं आपके। और मोस्ट सेलिंग जो कलर है वो कौन सा रहता है इसका? सर फिलहाल तो आपका पर्ल वाइट और स्पार्कल ब्लैक ज़्यादा है। ओके, थोड़ा एट्रैक्टिव कलर है वो। ओके, तो इसमें कोई सब्सिडी वगैरह भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से? सर जो मैंने आपको प्राइस बताया है वो लेस देन सब्सिडी में। अच्छा, वो सब्सिडी लेस कर दी है, तो 92 बताया आपने। ओके, वैसे कितना अगर सब्सिडी कितनी मिलती है इसमें? उसमें मान के सब्सिडी इसमें आपकी प्रेस प्रो सब में अलग अलग है, प्रेस प्रो में आपकी मिल जाती है करीब करीब 28 के समथिंग में, 28 के समथिंग में आपकी सब्सिडी मिल जाती है इसमें। अच्छा, इसमें आपकी, हाँ, इसमें सिर्फ आपकी सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, बाकी अदर स्टेट में है कि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। यहाँ पे हमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, यहाँ पे स्टेट दे रही है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे हमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है जो कि लगभग 28,000 की है। ओके, तो अच्छी डील है ये। तो यहाँ पे सर लेके आ गए हैं इसका चार्जर जो आपको इसके साथ मिलता है, ये चार्जर इसके साथ मिलेगा ना? जी, साथ में मिलता है आपको। ओके, 10 एम्पियर का चार्जर होता है ये। अच्छा, हाँ जी, 10 एम्पियर का ये चार्जर है। हाँ, इसको कनेक्ट कैसे करना है कुछ बताएंगे? देखिए, आप अगर बैटरी निकालना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा के चार्ज कर सकते हैं, ये यहाँ से लग जाए। अगर बैटरी नहीं निकालना चाहते? हाँ, अगर बैटरी नहीं निकालना चाहते हैं और निकाल कर चार्ज करना चाहते हैं तो आप निकाल के ये उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ, मतलब जो लोग जैसे अब फ्लोर्स पे रहते हैं अलग अलग के लिए बेनिफिशियल है। हाँ, क्योंकि गाड़ी तो ऑप्शन है आपके पास। हाँ, जो गाड़ी ऊपर नहीं ले जा सकते हैं वो बैटरी निकाल के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जी,